दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भगवान श्री कृष्णों का विवाह भले ही राधा से ना हुआ हो, लेकिन उनके प्रेम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। लोग आज भी उनके अटूट प्यार को याद करते हैं और कसमें खाते हैं। राधा को कृष्ण की आत्मा कहा जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्णों का एक नाम राधा रमण भी है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब श्री कृष्णों को राधा के पैरों का चरणामृत पीना पड़ा था। चलिए आपको बताते हैं राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़ी ये कहानी। दोस्तों कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए। जब कोई दवा या जड़ी बूटी काम ना आई तो स्वयं श्री कृष्णों ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त के पांव के धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को अगर वो ग्रहण कर ले तो वो निश्चित ठीक हो जाएंगे। दोस्तों श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, इसलिए उन्होंने गोपियों को पैरों का जल पिलाने के लिए कहा। मगर गोपियों चिंता में पड़ गई कि किन्हीं कारण से कहना ठीक ना हुए तो उन्हें नर्क भुगतना पड़ेगा। वो सब उनके परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय से निष्फल होने का चिंता सता रही थी। दोस्तों तभी वहाँ कृष्ण की प्रिय राधा आ गई और बिना सोचे स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाया। अन्य गोपियों के भांति राधा को भी नरक भोगने का भय सता रहा था, लेकिन वह अपने प्राण से प्यार कृष्ण के लिए नरक भोगने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण करने के बाद ठीक हो गए। दोस्तों ये राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। राधा जी ने अपने भविष्य की चिंता किए बिना वो कर दिखाया जो करने का साहस कोई गोपी नहीं कर पा रही थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय राधा कृष्ण लिखना मत भूलना और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।